आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डिंडोरी और शिवपुरा तहसील अंतर्गत पीपराड़ी में चल रही शासकीय एकलव्य आवासीय छात्रावास का निर्माण कार्य, जहां दूर दराज से मजदूर आए हुए हैं, अब वह बिना मास्क के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया टीम मौके पर पहुंची है। ठेकेदार और ठेकेदार के कर्मचारी मीडिया को देखकर भागते हुए नजर आए। मजदूरों से जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि कोरोना जांच नहीं हुई है, वैक्सीनेशन का काम भी नहीं हुआ है। मजदूर ठेकेदार के कहने पर इस संक्रमण काल में बीमारियों को न्योता देने का काम कर रहे हैं। बाहर से मजदूरों को बुलाया गया है और यहाँ कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। धड़ल्ले से यहाँ बेखौफ होकर इनसे काम लिया जा रहा है। ये समस्या ये है कि हमारे गांव के लिए आसपास के लेबर को लेते नहीं। अच्छा, काम चल रहा है? हाँ, काम चल रहा है। वो बोलता है कि हम यहाँ के लेबर से काम नहीं कराएंगे। अच्छा। हम बाहर से लेबर लाते। अच्छा। अब बाहर से लेबर ला ला के करा रहा है। अब हमको गांव वालों को इसमें वो है कि दुनिया के कोरोना आता है, ये है, सब है। गाँव के आदमी तो कहीं बाहर जाते नहीं। क्या यहाँ आते तो लोग चेक नहीं करवाते? नहीं कराते कोई। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? छत्तीसगढ़ से है, डिंडोरी जिला डिंडोरी से है, उमरिया से हैं, सब बाहरी बाहरी लेबर हैं पूरा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो काम चल रहा है, आप लोग ग्रामीण लोगों को काम लगाने के लिए मना कर रहे हैं? हमारे ग्रामीण लोग, जब कोरोना काल चल रहा है, शासन ने भी ये कहा है कि लोकल लोगों को काम लगा के ही काम करवाएं, बाहर से लोगों को नहाने के लिए ये लोग नहीं लगाते। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे काम कौन करवा रहे हैं? कांवड़े जी हैं। अच्छा सर, अभी पिपराड़ी में अभी जो काम चल रहा है सर, वहाँ पे बाहरी लोग आके वहाँ पे काम कर रहे हैं सर, और ना वो कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं सर, इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जो पिपराड़ी में जो जानकारी प्राप्त हुई है आपके माध्यम से हुई है, मैंने अपने क्षेत्रीय जो भी यहाँ पर पटवारी व संबंधित उससे भी विषय में जानकारी दूंगा कि हमारे क्षेत्र में पिपराड़ी में अगर कोई बाहरी व्यक्ति या बाहर से व्यक्ति आकर काम कर रहे हैं जिनका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ, निश्चित तौर पर उनका प्रथम दृष्टया कोरोना टेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस प्रकार की गतिविधियों पर निश्चित तौर पर जो आवश्यक कार्रवाई थी हमारे तरफ से की जाएगी। बाहर से आने वालों की सारी जानकारी जो है हमें सीओ साहब द्वारा दी जाती है। इसकी जानकारी शायद सीओ साहब को भी नहीं होगा, आपके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई है। हमारी टीम जाती है सारे फील्ड में वैक्सीनेशन करने, और हम कोशिश करेंगे कल उनके सारे लोगों की वैक्सीनेशन करा लें, और इनकी सूचना जो है सीओ साहब और तहसीलदार साहब को दी जाएगी ताकि वो उचित कार्रवाई कर सकें।